हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागलान। इजी इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो सम बेसिक कंसेप्ट से मैक्रो इकोनॉमिक्स के उनको कवर कर रहे थे, और जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सीखा कि स्टॉक का कंसेप्ट क्या होता है और फ्लो का कंसेप्ट क्या होता है। मैं आपको हल्का सा रिवाइज करा देता हूँ। स्टॉक वो जिसको हम किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चेक करते हैं या उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उसको देखा जाता है, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ कि आज की तारीख 13 अक्टूबर 2020 को मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए हैं, मैंने पर्टिकुलर चेक किया भाई, ठीक है, पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे चेक किया है। ये कंसेप्ट था स्टॉक का कंसेप्ट। फ्लो का कंसेप्ट होता है मैं जब उसको एक टाइम पीरियड के हिसाब से चेक करता हूँ। पीरियड कब का, कब से कब का होता है आपका? 11:20 से लेके 12 बजे तक का। कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड है इसमें? नहीं, इसमें काफी लंबा टाइम पीरियड है, 40 मिनट का। 2001 से लेके 2011 का कोई एक टाइम पीरियड है? नहीं, लंबा टाइम पीरियड है। पर्टिकुलर टाइम मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर 12:01 पे बताओ कि भाई आपके खाते में कितने पैसे हैं। भाई बताओ 12 बजे से लेके अगले दिन के 12 बजे के बीच में मेरे अकाउंट में कितने पैसे थे। जब मैं किसी स्पेसिफिक पॉइंट की बात करता हूं तो मैं स्टॉक की बात करता हूं, ठीक है। उस टाइम पर जो वैल्यू, जो हमारे पास वैल्यू आएगी या क्वांटिटी हम लोग चेक करेंगे, वो स्टॉक का कंसेप्ट होगा। और जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करेंगे, उसमें जो वैल्यू या क्वांटिटी आएगी मेरे पास, उसको हम लोग कहते हैं वो फ्लो का कंसेप्ट होगा, ठीक है। जो आज का लेक्चर होगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि जो चार बेसिक कंपोनेंट थे, जो चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, वो जो चार हमारे पास क्या थे, फोर सेक्टर थे इकोनॉमी के अंदर, उनके बारे में। वो फोर सेक्टर कौन कौन से? हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर था हमारे पास, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर था, और हमारे पास एक्सटर्नल सेक्टर था, ठीक है। इनके बारे में हमें जानने को मिलेगा। सो आज के लेक्चर में बहुत कुछ जानने को मिलेगा हमें। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। तो देखो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फोर सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एक्चुअल बच्चे क्या है, ये चार सेक्टर एक इकोनॉमी का आधार है, बेस है। जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है इकोनॉमी का, वो सब कुछ यहीं से चलता है, ठीक है, पूरा साइकिल घूमता रहता है। आप लोगों ने, मैं कल के लेक्चर में मैंने एक सेम एग्जांपल दिया था, आज फिर एक सेम एग्जांपल देता हूँ। आप लोगों ने 10th-9th की साइंस में या 6th से लेकर 10th की साइंस में आप लोगों ने एक फूड चेन की बात की थी। फूड चेन आप लोगों ने पढ़ा था, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, वो एक पूरा साइकिल चलता रहता है, ठीक है। जो हमारी इनकम है, जो पैसा है, इकोनॉमी है, वो इन्हीं चारों सेक्टर के इर्द गिर्द घूमती रहती है, ठीक है। वो चार सेक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जो गुड्स की कंजम्पशन करता है, ठीक है। कहता है क्या, इट इंक्लूड्स कंज्यूमर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, उन कंज्यूमर, वो कंज्यूमर किसके अंदर आते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर आते हैं, ठीक है। हाउस होल्ड आर ऑल्सो द ऑनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो हाउस होल्ड होता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ओनर भी होते हैं। ओनर का मतलब क्या? मालिक। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या? जो कारण बनते हैं किस चीज के, प्रोडक्शन के। प्रोडक्शन मतलब जो हम पैदावार करते हैं। अब कारण हाउस होल्ड कैसे बनता है? देखो बच्चे, हाउस होल्ड में कौन रहते हैं, कौन आते हैं? लोग आते हैं, जो परिवार आते हैं, वही जाकर या तो लेबर का काम करते हैं या एक स्पेशलिस्ट का काम करते हैं, एक्सपर्ट का काम करते हैं। मतलब वही किसी फैक्ट्री में जाएंगे, वही कुछ प्रोडक्शन करेंगे और वही बाद में उसको कंजम्पशन करते हैं, वही कंजम्पशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर आके कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूँ, मैं कुछ किसी सर्विसेज की प्रोडक्शन कर रहा हूँ। अपने घर पे तो मैं हाउस होल्ड हूँ, ठीक है, और जो यहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ वो मैं उनका क्या हूँ? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर का मतलब क्या? कारण। कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, मैं यहाँ पर कुछ प्रोडक्शन कर रहा हूँ, उसका कारण हूँ मैं, पर मैं हाउस होल्ड भी हूँ और यहाँ पर मैं क्या, एक प्रोड्यूसर भी हूं, ठीक है। तो ये कंसेप्ट भाई। दूसरा कंसेप्ट आपके पास आता है प्रोड्यूसर सेक्टर। इट इंक्लूड्स ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट्स इन द इकोनॉमी। यहां पर सारी यूनिट्स, जितनी भी इकोनॉमी में प्रोड्यूसिंग यूनिट्स है ना, जहां पर प्रोडक्शन होती है, वो सारी यूनिट इस प्रोड्यूसर सेक्टर में आती है। कहता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज द फर्म हायर परचेज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब क्या होता है, जो प्रोड्यूसर सेक्टर होता है ना, वो हाउस होल्ड को हायर करता है या परचेज करता है। हाउस होल्ड में कौन भाई? वही लेबर या फिर वही एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट भाई,
ठीक है, जो जिनके पास स्किल्ड, जो स्किल्ड लेबर है भाई, ठीक है, जिनके पास स्किल हो काम करने की। अब स्कूल वालों ने क्या किया, स्कूल वाले यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं भाई, उन्होंने मुझे हायर कर लिया कि आप मुझे, आप हमसे इतनी मंथली सैलरी लीजिए और आप यहाँ पर पढ़ाइए, ठीक है। स्कूल वाले प्रोड्यूसर हैं और मैं वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हूँ, ठीक है, तो उन्होंने मुझे हायर किया है कि आप यहाँ पर सेवाएं दीजिए। अब इस पूरे एरिया में क्या होता है, यहाँ पर जो पढ़ाई के नाम की सर्विसेज है वो यहाँ पर दी जाती हैं। किसी फैक्ट्री में भी ऐसा होता है भाई, वहाँ पर एक मालिक प्रोड्यूसर क्या करता है, जो लेबर है या फिर जो उसके वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हायर करता है, किस लिए, और वो जो लेबर है, जो एम्प्लॉय हैं, वो सब क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, और घर पर वो हाउस होल्ड हैं, ठीक है। कहता है आगे, अब इसके अंदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। अब ये चार कंपोनेंट बनते हैं किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, लैंड जिसकी जमीन है, ठीक है, लेबर जो लेबर का काम करता है, वर्कफोर्स भाई फिर, ठीक है, जो वर्कफोर्स होगी, कैपिटल जो पैसा लगाता है, और एंटरप्रेन्योरशिप जो मालिक होता है, ठीक है, वो प्रॉफिट। अब लैंड के बदले हमें क्या मिलेगा, लैंड के बदले हमें क्या मिलेगा बच्चे, लैंड के बदले हम लोगों को मिलेगा जो जो हमारे पास इंटरेस्ट होता है वो मिलेगा, ठीक है। और भाई नहीं, लैंड के बदले हमें मिलेगा रेंट, लैंड के बदले हमें रेंट मिलेगा, लेबर के बदले हमें मिलेंगी वेजेस जो हम सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। कैपिटल के बदले हमें मिलेगा इंटरेस्ट, हम लोगों ने पैसा लगाया, हमें इंटरेस्ट मिलेगा उसका, और एंटरप्रेन्योरशिप को मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है बच्चे। ये चार कंपोनेंट है किसके, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के, ठीक है, तो आप लोग इनको देख लेना। आगे कहता है, आप लोग देखना नेक्स्ट, नेक्स्ट सेक्टर हमारे पास गवर्नमेंट सेक्टर। अब गवर्नमेंट सेक्टर कौन सा, इट इंक्लूड्स गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी, ये गवर्नमेंट को इंक्लूड करते हैं एज अ वेलफेयर एजेंसी, ठीक है। गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट को एज अ प्रोड्यूसर भी काउंट करते हैं, मतलब क्या, गवर्नमेंट एक वेलफेयर एजेंसी है जो समाज कल्याण भी करती है, करती है भाई। कोरोना का टाइम पीरियड आया, गवर्नमेंट ने क्या किया, घर घर जाके, किसी को मिले ना मिले अलग बात है, लेकिन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्कीम चलाई कि भाई लोगों को दाल मिलेंगे, चीनी मिलेंगे, चावल मिलेंगे, फ्री में कोरोना टेस्ट होगा, फ्री में उसका इलाज होगा, घर से लेके आएंगे, घर पे लेके जाएंगे, क्वारंटाइन सेंटर में लेके गए, गवर्नमेंट की वेलफेयर थी बच्चे ये सारे के सारे, पेंडेमिक से बचाने के लिए। आगे गवर्नमेंट एक प्रोड्यूसर भी है, गवर्नमेंट प्रोड्यूस भी करती है, बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं या एजेंसीज हैं जो सरकार की खुद की हैं, ठीक है। कहता है, गवर्नमेंट एज अ वेलफेयर एजेंसी परफॉर्म सच वेलफेयर फंक्शन एज अ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। अब जो प्रोड्यूसर है, सरकार क्या करती है बच्चे, जो वेलफेयर के फंक्शन है उनके साथ साथ लॉ ऑर्डर और डिफेंस, इन सब कामों को वो अपने अंडर में रखती है और इन सब को वो रेगुलर देखभाल करती है। यहाँ पर भी अब गवर्नमेंट में कौन है बच्चे, गवर्नमेंट में कौन सा रोबोट काम करते हैं या मंगल ग्रह से आया हुआ है कोई, वो हमारे बीच के लोग तो हैं, वो हाउस होल्ड के पार्ट ही तो हैं, वो प्रोड्यूसर भी तो हैं, वही पार्ट तो गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, पर वो एक तरीके से एक सेपरेट सेक्टर हो जाता है भाई। आगे कहता है, द एक्सटर्नल सेक्टर, इनको हम कहते हैं द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से हैं, कहता है कि इट इंक्लूड ऑल सच एक्टिविटी विच आर रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, यहाँ पर वो सब एक्टिविटी काउंट की जाती हैं जिनमें हम सामान का एक्सपोर्ट करते हैं, अपने देश से बाहर भेजते हैं, और सामान को हम लोग इम्पोर्ट करते हैं, दूसरे देश से अपने देश में मंगवाते हैं भाई, ठीक है। एंड द फ्लो ऑफ कैपिटल बिटवीन द डोमेस्टिक इकोनॉमी एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी है, हमारे देश की इकोनॉमी है, वहां से जो पैसा दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, बाकी देशों में जा रहा है, और बाकी देशों से जो पैसा हमारे देश में आ रहा है, उस टॉपिक को हम लोग कवर करते हैं इन एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर। ये चार इंपॉर्टेंट सेक्टर थे हमारे किसके, एक इकोनॉमी के अंदर बच्चे, ठीक है। तो अब आगे कहता है कि इंटरसेक्टरल फ्लो, अब जो इकोनॉमी, जो मनी है, या फिर जो सर्विसेज है, गुड सर्विसेज हैं, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, वो इन चारों सेक्टर के इर्द गिर्द, इन चारों के अंदर ही घूमता रहता है, इसीलिए ये टॉपिक का जन्म हुआ है इंटरसेक्टरल फ्लो, कि ऐसा फ्लो जो इन सेक्टर के अंदर अंदर घूमता रहता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे। कहता है, ईच सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी डिपेंड्स ऑन अदर इन द वे, इन वन वे एंड अदर, कहता है चारों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं किसी न किसी तरीके से बच्चे, ठीक है। चार सेक्टर कौन कौन से, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड द एक्सटर्नल सेक्टर, ये चारों के चारों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंसी, कहता है इस चीज को हम लोग कहते हैं इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंसी,
ठीक है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन है, कुछ ऑब्जर्वेशन है उनको हम लोग देख लेते हैं। अब वो ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं बच्चे, सबसे पहले हाउसहोल्ड सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज नीडेड फॉर कंजम्पशन। अब हाउसहोल्ड सेक्टर डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोड्यूसर सेक्टर के ऊपर। क्यों डिपेंड करता है बच्चे, क्योंकि हाउसहोल्ड सेक्टर है वो क्या करता है, वो कंजम्पशन सेक्टर है बच्चे, वो कंज्यूम करता है किनको, गुड्स और सर्विसेज को। पर उसकी सप्लाई किससे मिलती है उसको, प्रोड्यूसर सेक्टर से। जब तक प्रोड्यूसर सेक्टर कुछ प्रोडक्शन नहीं करेगा हाउसहोल्ड को क्या मिलेगा, खाक मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब हाउसहोल्ड को अगर कुछ कंज्यूम करना है तो प्रोड्यूसर सेक्टर को कुछ प्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर किसकी डिमांड पूरी करेगा, हाउसहोल्ड सेक्टर की डिमांड पूरी करेगा। सेकंड पॉइंट में कहता है वो, द प्रोड्यूसर सेक्टर डिपेंड्स ऑन द हाउसहोल्ड सेक्टर फॉर द सप्लाई ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन आल्सो कॉल्ड एज फैक्टर सर्विसेज। अब हाउसहोल्ड तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, प्रोड्यूसर के ऊपर। लेकिन इस टॉपिक के स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बात बताई थी कि चारों सेक्टर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। हाउसहोल्ड की डिपेंडेंसी तो मैंने बता दी प्रोड्यूसर के ऊपर, पर प्रोड्यूसर किस रूप से डिपेंड करता है हाउसहोल्ड के ऊपर। अब जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करता है गुड्स और सर्विसेज को, वो किसकी हेल्प से प्रोड्यूस कर पाता है, उस हाउसहोल्ड की हेल्प से। हाउसहोल्ड की हेल्प से कैसे प्रोड्यूस कर पाएगा भाई, क्योंकि हाउसहोल्ड उसको प्रोवाइड करता है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, वो फैक्टर सर्विसेज। कौन कौन सी फैक्टर सर्विसेज, लैंड लेबर कैपिटल की, एंटरप्रेन्योरशिप की, वो सब कहाँ से मिलती हैं, हाउसहोल्ड से मिलती हैं। अगर वो हाउसहोल्ड वाले काम ही नहीं करेंगे तो प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा, कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर सकता भाई, ठीक है। दीज आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमें किसी भी गुड्स की सर्विस, किसी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इनकी जरूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट में कहता है, द गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड्स ऑन द प्रोड्यूसर एंड हाउसहोल्ड सेक्टर फॉर इट्स टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब जो गवर्नमेंट सेक्टर है वो उन दोनों सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। वो दोनों सेक्टर कौन कौन से, हाउसहोल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर। क्यों डिपेंड करता है बच्चे, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसको चाहिए टैक्स और रेवेन्यू चाहिए भाई। गवर्नमेंट को भी सोशल वेलफेयर करना है, उसके लिए उसके पास पैसे होने चाहिए। वो क्या करता है, हाउसहोल्ड और प्रोड्यूसर्स के ऊपर टैक्स और रेवेन्यू इम्पोज करता है कि आप जितनी कंजम्पशन करेंगे उसके बदले हमें टैक्स दीजिए, आप जितनी प्रोडक्शन करते हैं बदले में हमें, उसके लिए हमें आप टैक्स प्रोवाइड कीजिए भाई, ठीक है। तो कहता है कि ये सब गवर्नमेंट सेक्टर डिपेंड करेगा किसके ऊपर, वो हाउसहोल्ड और प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करता है। तीनों की इंटरडिपेंडेंसी होगी बच्चे। अब क्या करता है, मैं बता रहा हूं आपको कि भाई आगे प्रोड्यूसर एंड हाउसहोल्ड डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी तो बता दी मैंने। अब जो प्रोड्यूसर और हाउसहोल्ड है वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड कैसे करते हैं, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज बिसाइड्स लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस। वो जितने भी आधिकारिक काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के काम होते हैं, सरकार को चलाने के, लोक समाज को चलाने के, ठीक है, देश में कानून व्यवस्था को बनाने के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, ये सब काम कौन संभालता है, सरकार संभालती है। और जो हाउसहोल्ड प्रोड्यूसर हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, सरकार के ऊपर डिपेंड करते हैं। सरकार इन दोनों के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, क्योंकि यहाँ से क्या मिलता है उनको, पैसा, रेवेन्यू, टैक्स मिलता है। तो बच्चे ये हमारे पास इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंसी थी। आगे कहता है देखो, इंटरसेक्टरल इंटरडिपेंडेंसी लीड्स टू इंटरसेक्टरल फ्लो। अब जो ये इंटरडिपेंडेंसी होती है ना, ये एक फ्लो को पैदा करती है, फ्लो को, क्योंकि जब एक दूसरे के ऊपर निर्भरता होगी तभी तो हम कुछ लेन देन कर पाएंगे। निर्भरता है मतलब लेन देन करते हैं वहां पर, तो यहां पर लेन देन भी होता है, फ्लो भी होता है। वो फ्लो कैसा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या तो गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में हो, या फिर आइदर इन द फॉर्म ऑफ मनी, या फिर पैसे की फॉर्म में हो भाई, ठीक है। इंटरसेक्टरल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ मनी इज कॉल्ड मनी फ्लो। अगर वो इंटरसेक्टरल फ्लो पैसे की फॉर्म में हो रहा है, मनी की फॉर्म में हो रहा है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, मनी फ्लो कहते हैं। पर अगर इंटरसेक्टरल फ्लो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट्स कॉल्ड एज रियल फ्लो। अगर वो गुड्स और सर्विसेज की फॉर्म में हो रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रियल फ्लो कहते हैं। मतलब प्रोड्यूसर सेक्टर से अगर हाउसहोल्ड में जा रहा है तो क्या जाएंगी वहां पर, गुड्स और सर्विसेज। इस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या कहेंगे, रियल फ्लो कहेंगे। और अगर वो प्रोड्यूसर सेक्टर से फिर से हाउसहोल्ड में जा रहा है, वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले जो इनकम दे रहे थे हम लोग, जो इनकम पैसा दे रहे थे, वो फ्लो किस में जाएगा, मनी फ्लो में जाएगा। दोनों फ्लो एक ही तरफ से हैं बच्चे,
ठीक है, पर आपको मैं इसको ब्रीफली समझाऊंगा अभी आने वाली कुछ स्लाइड्स में बच्चे, ठीक है। अब देखो मैं आपको लिए आपके लिए जो रियल फ्लो और मनी फ्लो है इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये क्या होते हैं। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रियल फ्लो की। कहता है रियल फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। रियल फ्लो में क्या होता है, जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनके फ्लो की हम लोग बात करते हैं, जो सामान है फिजिकल गुड्स और सर्विसेज हैं जो फ्लो करती हैं एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में, ठीक है। अब कहता है फ्लो ऑफ फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउसहोल्ड सेक्टर टू प्रोड्यूसर सेक्टर और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर सेक्टर टू हाउसहोल्ड सेक्टर आर द एग्जांपल ऑफ रियल फ्लो। कहता है रियल फ्लो के एग्जांपल पे हम लोग क्या करते हैं, जो फैक्टर सर्विसेज गुड्स और सर्विसेज की बात की गई है ना, गुड्स और सर्विसेज की बात की गई है, याद रखना गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज कौन देता है, हाउसहोल्ड किसको, प्रोड्यूसर को। बदले में जो गुड्स होंगी वो कौन देता है, प्रोड्यूसर किसको, हाउसहोल्ड को देता है। तो इस टाइप के एग्जांपल को क्या कहा गया है, ये किसका एग्जांपल है, रियल फ्लो का एग्जांपल है। मैं आपको एक छोटे से डायग्राम में इसको दिखा देता हूं ये कैसा बच्चे। देखो आपके लिए ये फिगर है, फिगर नंबर 2 है यहां पर, आप लोग इसको देख लेना। कहता है देखो यहां पे हमारे पास प्रोड्यूसर सेक्टर फर्म्स हैं और हाउसहोल्ड सेक्टर फर्म्स हैं। आप जो ऊपर वाली ग्राफ है उसको देख लेना, प्रोड्यूसर सेक्टर से एक लाइन चली हमारे पास, ये कहां गई, हाउसहोल्ड सेक्टर में गई। आप एरो को नोटिस करना बच्चे, एरो को, ठीक है। यहां पर क्या गई, गुड्स परचेज, गुड्स प्रोड्यूस एंड सोल्ड बाय द फर्म्स। प्रोड्यूसर सेक्टर ने कुछ प्रोड्यूस किया, उसने सामान बेचा, किसको बेचा, हाउसहोल्ड सेक्टर को। पर बेचने से पहले हाउसहोल्ड ने सर्विसेज दी थी, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कौन कौन सी, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर की, किसको दी थी, प्रोड्यूसर सेक्टर को। उसी की हेल्प से प्रोड्यूसर सेक्टर कुछ प्रोड्यूस कर पाया और उसको आगे किसको बेच पाया, वो हाउसहोल्ड को बेच पाया, ठीक है। तो ये फ्लो किस चीज का बच्चे, हमारे पास ये रियल फ्लो का एक परफेक्ट एग्जांपल है, ठीक है भाई। आगे कहता है वो देखो मनी फ्लो क्या होता है। अब मनी फ्लो आप लोग देख लेना, कहता है मनी फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ मनी अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। के अलग अलग सेक्टर के अंदर जो मनी का फ्लो होता है हम लोग उसकी बात करते हैं यहाँ पर। फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट बाय द प्रोड्यूसर सेक्टर टू द हाउसहोल्ड। अब जो हाउसहोल्ड सेक्टर अपनी सेवाएं देता है, सर्विसेज देता है, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप की, किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। उसके बदले में वो उसको वेजेस भी देगा, रेंट भी देगा, इंटरेस्ट भी देगा, प्रॉफिट भी देगा, ठीक है। पर एक तो ये पैसा फ्लो हुआ कहां से, प्रोड्यूसर से हाउसहोल्ड में। पर हाउसहोल्ड जब सामान खरीदेगा प्रोड्यूसर सेक्टर का, बदले में उसके पैसे भी तो देगा, क्या सामान फ्री में मिल जाएगा उसको, नहीं। अगर वो दुकान वाले या फर्म वाले कुछ सामान बेचेंगे तो बदले में पैसे भी लेंगे। वहां से हाउसहोल्ड में पैसा कहां आया, सामान के बदले प्रोड्यूसर के पास, और प्रोड्यूसर के पास जो काम किया था हाउसहोल्ड ने उसके बदले उनको क्या मिला भाई, फैक्टर सर्विसेज जो उन्होंने दी थी उनके बदले उनको फैक्टर पेमेंट मिली। फैक्टर सर्विसेज मैं एक बार फिर बता देता हूं, फैक्टर सर्विसेज वही लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये हाउसहोल्ड देता है किसको, प्रोड्यूसर सेक्टर को। अब लैंड के बदले मिलेगा, जमीन के बदले मिलेगा रेंट, ठीक है, लेबर के बदले मिलेंगे वेजेस, कैपिटल के बदले मिलेगा इंटरेस्ट मिलेगा, और एंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उनको बदले में क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। ये फैक्टर सर्विसेज थी जो हाउसहोल्ड देता है किसको, प्रोड्यूसर को। इन सब के बदले में वो प्रोड्यूसर सेक्टर देगा यहां पर फैक्टर पेमेंट। जो फैक्टर पेमेंट मैंने बताई ना, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले प्रॉफिट, ये चार पॉइंट थे, ये इसके फैक्टर पेमेंट के पॉइंट थे। और जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर बेचेगा हाउसहोल्ड को, उनके बदले में जो पेमेंट करेंगे वो प्रोड्यूसर के पास जाएगी, उसको हम लोग कहेंगे एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। पर आपको मैं एक ग्राफ की हेल्प से इसको समझा देता हूं। देखो भाई आप यहां पर देखना, मनी फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ये हर बार मनी फ्लो है जो टू सेक्टर इकोनॉमी में दिखाया जा रहा है। यहां पर देखना, हाउसहोल्ड सेक्टर ने क्या किया, जो अपनी सेवाएं दी थी ना बच्चे, किसको दी थी, प्रोड्यूसर सेक्टर को, उनके बदले में उसको क्या मिल गया, वहां पर उसको पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज मिल गई। जो फैक्टर सर्विसेज दी थी हाउसहोल्ड ने किसको, प्रोड्यूसर को, उनके बदले में उसको फैक्टर सर्विसेज की पेमेंट मिल गई। अब हाउसहोल्ड के पास पैसा आ चुका है, अब उस पैसे को वो कहीं ना कहीं खर्चेगा, अपनी डिमांड पूरी करेगा, उसके लिए क्या करता है, वो एक्सपेंडिचर करता है ऑन परचेज ऑफ गुड्स। गुड्स किसने प्रोड्यूस की, प्रोड्यूसर सेक्टर ने। उन गुड्स को कौन खरीदेगा, हाउसहोल्ड खरीदेगा, और बदले में उसके ऊपर एक्सपेंडिचर वो
कर देगा बच्चे, ठीक है। तो ये थे हमारे पास रियल फ्लो और मनी फ्लो भाई, ठीक है। आगे देखो बच्चे, ये जरा सा एक क्वेश्चन है कि मनी फ्लो आर अपोजिट टू रियल फ्लो, हाउ, कि मनी फ्लो रियल फ्लो से अपोजिट कैसे है, ये आपको बताना है। यहां पर इसका आंसर भी लिखा हुआ है स्लाइड के अंदर, पर मैं चाहता हूं कि आप आंसर को खुद पढ़ें और एक ऑब्जर्वेशन डेवलप करें कि वो डिफरेंट कैसे है, ठीक है। और इसको अपनी नोटबुक में जरूर लिखें बच्चे, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।